श्री राधे भक्तों, मैं राघव गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ लाडली लाल चैनल पे। आज हम लड्डू गोपाल के लिए ईयर रिंग बनाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार की, ऐसे मैंने लटकन भी यूज़ की है यहाँ पे एक मोती के साथ में। ये देखिए कुछ इस प्रकार की है। मैंने ग्रीन कलर का स्टोन तिलक शेप में यूज़ किया है इसमें। और ये देखिए, ये आपको पिन चाहिए होंगे, ये आपको ज्वेलरी शॉप पे अवेलेबल हो जाएंगे ये वाले पिन। ये देखिए एक होते हैं ये इस टाइप के, ये पिन आपको ले लेने हैं। देखिए मैंने इसे अपने नग लगाया हुआ है सिर्फ हैवी क्यूक की हेल्प से। ये सिंपल में बनाया मैंने, ये सिर्फ नग मैंने इसमें स्टोन फिक्स कर दिया है। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, इस पर आप ये देखिए इस तरीके से स्टोन एक पेस्ट कर देंगे। ये मैंने स्टोन पेस्ट कर दिया है, इस तरीके से स्टोन पेस्ट कर दिया। ये देखिए स्टोन ये पेस्ट हो चुका है। इसके बाद ये देखिए लटकन बनाना बताऊंगा मैं। एक मोती लेंगे, ये 4 नंबर का मोती लिया मैंने। ये देखिए ये पिन, ये भी आपको ज्वेलरी शॉप पे मिलेगी जहाँ ज्वेलरी का मटेरियल मिलता है। ये देखिए इस पैकेट इस तरीके से इसमें ये फिक्स हो जाएगा। ये देखिए फिक्स होने के बाद आपको कटर ले लेना है। कटर्स की हेल्प से इसे देखिए आधा हाफ इसे कट कर देंगे, हाफ पार्ट इसका कट कर दिया हमने। ये देखिए फिर देखिए प्लास की हेल्प से, ये देखिए इस तरीके से मोड़ना है। फिर इसे ऊपर साइड से मोड़ेंगे ताकि राउंड शेप में हो जाए। ये देखिए ये राउंड शेप में हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए आधा हुआ है हाफ, इसे और फिक्स कर देंगे, ये हो गया। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस टाइप से ये कंप्लीट हो गया नीचे का। और ये देखिए जिस इसका हाफ पार्ट था, इससे हम ऊपर की साइड की ये पिन तैयार करेंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से मोड़ा और ऊपर से इस तरीके से मोड़ देंगे तो ये भी राउंड शेप में हैंगिंग की लटकन बन जाएगी, हैंगिंग के लिए पिन, आई पिन बोलते हैं इसे। ये देखिए इस तरीके से हो गया ये तैयार। ये देखिए इस तरीके से हम प्लास की हेल्प से तैयार कर लेंगे। अब उसके बाद इन दोनों को अटैच करना है हमें। ये देखिए पिन लेंगे और इनको अटैच करेंगे। इससे पहले हम इसे खोल देंगे थोड़ा सा ताकि ये पिन इसमें जा सके। ये देखिए ये इसके अंदर चला गया है। इसके बाद ये देखिए जो हमने खोला था उसे बंद कर देंगे प्लास की हेल्प से। ये देखिए ये हैंगिंग तैयार हो गई है इस तरीके से। ये देखिए तैयार हो गई है। इस तैयार होने के बाद ये देखिए इसके आसपास हम जरकन लगा देंगे, स्टोन चेन। इस देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसमें स्टोन चेन फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगा देंगे। ये देखिए हमने लगा दी है। इसके बाद हम इसे कट कर देंगे, हमने कट कर दिया है। इसके बाद हम एक कार्डबोर्ड का और पीस लेंगे इस तरीके से, और ये देखिए इसके ऊपर हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम इसने कट कर दिया उसको ऊपर से पीस। इसके बाद हम उसे उल्टा करके रखेंगे, बैक साइड में ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद ये देखिए हमने हैंगिंग बनाई थी, ये देखिए लटकन, इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। इस टाइप तरीके से हमने इसे पेस्ट कर दिया है। ये देखिए ये पेस्ट हो चुका है। इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और थोड़ा सा इसमें ये देखिए एक हमने बुकरम का पीस लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमें ये पिन लगाएंगे। ये मैंने पिन आपको बताया है ज्वेलरी शॉप पे मिलेगा या ज्वेलरी का मटेरियल मिलता है। ये देखिए हम इसमें ग्लू लगाएंगे पहले। इसमें पूरे में अच्छे से ग्लू लगा देना है आपको, पूरे में फैला देना है ग्लू। ये हमने ग्लू फैला दिया है। इसके बाद हमें इसको देखिए साइड की तरफ रखना है, हमें बीच में नहीं रखना है पिन को, एकदम साइड की तरफ रखना है। ये देखिए हमने साइड में पिन को रखा है। इसके बाद ये देखिए हमने एक्स्ट्रा पार्ट उसका बुकरम को कट कर दिया, और देखिए फिक्स हो चुका है ये। इसके बाद ये पीछे की ये रबड़ लगा देंगे। ये देखिए ये दोनों पीस तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसमें ये दूसरे पीस बनाए हैं। इसमें मैंने एक नग यूज़ किया है और पिंक कलर की जरकन यूज़ की है स्टोन चेन। और इसके बाद मैंने इसमें घुंघरू यूज़ किया नीचे, सेम पैटर्न से बनाया है। यहाँ पर मैंने बस घुंघरू ऐड किया इसमें नीचे एक, ये देखिए। और ये मैंने आपको पहले दिखाए थे, ये सिंपल वाले हैं। अगर आप ये नहीं बना पाते हैं तो आप इस तरीके से मार्केट से भी ले सकते हैं, मैंने मार्केट से लिए हैं, बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।